हेलो स्टूडेंट्स हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक वैलेंसी पढ़ने वाले हैं सो so, स्टार्ट करते हैं वैलेंसी सो वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एन आइटम्स आर अरेंज इन द डिफरेंट एंड ऑर्बिट हम लोग की पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट शेल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंजड है सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोशियर ऑफ़ द एटम्स आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम में आउटमो शेल में रहेंगे यानी लास्ट शेल में रहेंगे उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बोहर एंड बरी स्कीम वी मे ऑल्सो नो दैट द आउटमो शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट द मैक्सिमम ऑफ एट इलेक्ट्रॉन जिससे कि हमें बहुत सौ बरीक के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि आउटमोश में सिर्फ एट ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इट वॉज ऑब्जर्व डेट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कम्पलीटली फिल्ड विथ एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोश शो द लिटिल केमिकल एक्टिविटी तो जिससे हमें यह पता चला है कि जो एलिमेंट्स है जिस एलिमेंट्स में एट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटमोश में वो उस केमिकल एक्टिविटी को शो करेगा इन अदर वर्ड्स द कम्बाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी जीरो उनकी कम्बाइनिंग कैपेसिटी और या उनकी वैलेंसी ज़ीरो भी हो सकती है ऑफ दिस इन एलिमेंट द हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स आउटमोश एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव द एटम्स विद द एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोशल हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी आउटमोशल में और बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन दियर आउटमोशल

जिससे कि उसकी आउटमो शेल जो है वो फुलफिल हो जाए सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट और शेयर सो दैट इट टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटमो शेल गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट है किसी का स्ट्रक्चर है वो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटमोशन में कितने उसने गेन किए कितने उसने लॉस किया कितने उसने शेयर किए हैं उसका ऑप्टेट फुलफिल करने के लिए तो वो ही कैपेसिटी बताती है उसकी वैलेंसी सो so, एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि फ्लोरीन द फ्लोरीन है सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोशन फ्लोरिन के आउटमोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो इट्स वैलेंसी कुड भी सेवन तो उस हिसाब से उसकी वैलेंसी सेवन होनी चाहिए बट ऐसा नहीं होता है बट इट इज़ ईजी फॉर फ्लोरी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लॉसिंग सेवन इलेक्ट्रॉन सो फ्लोरी के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्लोरी को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो उसकी गेनिंग टेंडेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू लॉसिंग टेंडेंसी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को उसको गेन करना है तो जितने वो गेन करेगा वो ही हो जाएगी उसकी वैलेंसी सो दट अ कंसेप्ट वैलेंसी। हेलो स्टूडेंट्स ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का टॉपिक आटॉमिक नंबर पढ़ने वाले हैं सो so, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हमें ये तो पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटोन होता है इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन ऐटम विच इटमांस इट्स एटॉमिक नंबर सो एटम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर शो करेगा एंड एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय देयर नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स दे पजेज सो कोई भी एलिमेंट है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ प्रोटोन्स दे पजेज जितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स वो पजेस करेंगे वो पर्टिकुलर एलिमेंट सो so, फॉर एग्जांपल Z इज इक्वल्स टू one बिकॉज इन हाइड्रोजन atom ओनली वन प्रोटोन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटोन्स से वन सो इसका एटॉमिक नंबर भी हो गया वन सिमिलरली फॉर कार्बन जेड इज इक्वल टू सिक्स दैर फॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ऐटम सो एटोमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट ऐटम सो जितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स रहेंगे वो ही उस पर्टिकुलर ऐटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा हेलो स्टूडेंट्स हाई बोर्वी ऑन हैव ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक मास नंबर पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट एटम ऑफ एन आट मासम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स अल सो सभी प्रॉपर्टीज पढ़ के सब एट जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के हमें क्या पता चला है कि जो एटम का मास होता है वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से सो दे आर आप दिस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हांस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स इसलिए हम प्रोटॉन्स और न्यूक्लिय न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं देयर फॉर द मास ऑफ एन ऐटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस सो जो मास है पर्टिकुलर आइटम का वो रिसाइड करता है उसकी न्यूक्लियस पर फॉर एग्ज़ाम्पल मास ऑफ कार्बन इज़ ट्व यू बिकॉज इट हैज़ सिक्स प्रोटोन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स अगर हम कार्बन का मास देखें तो कार्बन का मास है ट्वेल्व यू क्योंकि कार्बन में सिक्स प्रोटोन्स है एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स है So 6U plus 6U is equal to 2 to u Similarly, the mass of aluminium is 27, aluminium ka mass deke, aluminium ka mass ho ga 27. As aluminum 13 protons hai and 14 neutrons. Hai. So the mass number is defined as the sum of total number of protons and the neutrons present in the nucleus of an atom. तो so, जो मास नंबर होता है वो बताता है उस पर्टिकुलर आइटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे दैन वो इक्वल हो जाएगा मास नंबर के एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए इन द रोटेशन फॉर एन आइटम द एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड द सिंबॉल ऑफ एन एलिमेंट आर रिटर्न एस हम कैसे इसको लिख सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे मास नंबर सिंबॉल ऑफ दैट एटम एंड अटोमिक नंबर जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन का मास नंबर है फोर्टीन फिर नाइट्रोजन का सिम्बॉल एन एंड लास्ट में आएगा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज सेवन फोर्टीन एंड सेवन हेलो स्टूडेंट्स हाई बोर्वी ऑन बिहाफर पर्सनल चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आइसोटॉप्स सो हम स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बिन आइडेंटिफाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर हमारे नेचर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स है उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड इट है थ्री आटोमिक स्पीशीज एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के तीन ऐटोमिक स्पीशीज है दैट इज प्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट द मास नंबर इज डिफरेंट सो प्रोमियम का एटोमिक नंबर वन एंड मास नंबर बी वन दैन ड्यूटीयम एटॉमिक नंबर वन एंड मास नंबर टू एंड द थर्ड इज प्रीटियम एटोमिक नंबर वन एंड मास नंबर इज थ्री

ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इन एग्जाम्पल के बेसिस पर हमें क्या पता चला है कि आइसोटॉप्स को हम डिफाइंड कर सकते हैं ऐसे ऐटम्स जिन ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो दे आर फॉर वी कैन से दैट देर आर थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स दे आर प्रोमियम डूट्रियम एंड ट्रीडियम हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं दैट आर प्रोमियम ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स ईच आइसोटॉप एंड एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस हमारे एटमोसफेयर में आइसोटॉप्स के बहुत सारे मिक्सचर हैं एंड जितने भी आइसोटॉप्स हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट सो so, की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी सो एप्लीकेशंस ऑफ पढ़ सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम नॉर्मली वी कैन नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर सो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है आइसोटॉप्स की तो हमें उसके मिक्सचर पर कंसर्न नहीं करना टेंशन नहीं लेनी है बट सम आइसोटॉप्स हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी विच फाइंड दैम यूजफुल इन वेरियस फॉर सम ऑफ दैमा आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूरेनियम का आइसोटॉप है वो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कु का आइसोटॉप यूज़ करते।, करते हैं एंड द आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर गोइटर के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं आइसोटॉप ऑफ आयोडीन सो आइसोटॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल हैं हेलो स्टूडेंट्स हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन साइंस का एक बेसिक टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आईक्यू लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आइसोबार्स सो स्टार्ट करते हैं सो लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट कैल्शियम हुज एटॉमिक नंबर इज ट्वेंटी एंड ऑर्गन हुज एटॉमिक नंबर इज एटीन हमें दो एलिमेंट चूज करने हैं एक कैल्शियम और दूसरा ऑर्गन सो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है एटी सो so,

वो सेम होता है एटम में एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा उसे हम बोलेंगे आइसोबार्स सो so, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल लिया हमने कैल्शियम का सो so, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी बट मास नंबर क्या है फोर्टी एंड ऑर्गन ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है एटी बट इसका मास नंबर क्या है फोर्टी सो आइसोबार्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स बच्चों आई हो कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर भी हो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए थैंक यू Have a nice day.